और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर को लेकर। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन नियम में संशोधन किया गया है। जम्मू कश्मीर के एलजी की शक्तियां बढ़ाई गई हैं। उपराज्यपाल को एडवोकेट जनरल नियुक्त करने का अधिकार होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग पर एलजी की अनुमति जरूरी होगी। पुलिस प्रशासन मामले में भी सहमति जरूरी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को भी दिल्ली जैसे संवैधानिक अधिकार देने की तैयारी कर ली है। जम्मू कश्मीर के एलजी को भी अब दिल्ली के एलजी की तरह ही प्रशासनिक शक्तियां दी जाएंगी। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर के ब्यूरो चीफ निसार अहमद इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। निसार, अब जो भी शक्तियां दिल्ली के एलजी के पास थी, अब वैसी ही शक्तियां यहां पर जम्मू कश्मीर के एलजी के पास भी होगी, लेकिन इस बड़े फैसले के पीछे आखिर क्या वजह है? जी देखिए, जिस तरह से अगर बात की जाए तो 2019 के बाद जिस तरह से यहाँ पे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ पे बनाया गया था, तो आज उसमें काफी हद तक एक बार फिर तरमीम की गई है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि जिसके पास सभी इख्तियारात रहेंगे, जितने भी यहाँ पे पुलिस में जो तब्दीलियाँ होगी, जो ट्रांसफर सिस्टम रहेगा, जो जो यहाँ के आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स होंगे, उनके भी इख्तियारात अब पूरी तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दिए गए हैं। तो इससे पहले यहाँ पे अगर कई सियासी पार्टियों का यहाँ पे सियासी नजरिया भी सामने आ गया है। उमर अब्दुल्ला ने भी एक्स पर अपने ट्वीट करते हुए बताया कि यहाँ पे जिस तरह से अगर यहाँ पे कल हो गई, यहाँ पे सरकार भी बनती है, यहाँ पे चुनाव भी होते हैं, लेकिन उस जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो खाली रबर की मोहर की तरह यहाँ पे रहेगा, उसके पास कोई इख्तियार नहीं होगा। जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से बाजाबत तौर पर कल शाम एक नोटिफिकेशन जारी हुई है, जिसमें बाजाबत तौर पर ये लिखा गया था कि यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियार में सभी इख्तियार रहेंगे, जम्मू कश्मीर का पूरा कंट्रोल रहेगा। जी बिल्कुल। साथ ही साथ निसार, जब से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है तब से वहाँ पर चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन अब जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, सरकार का गठन होगा, लेकिन चुनी हुई सरकार से ज़्यादा ताकत, ज़्यादा शक्तियाँ अब जम्मू कश्मीर के एलजी के पास होगी। जी देखिए, जिस तरह से यहाँ पे जो सियासी जमातें हैं बार बार यही डिमांड कर रही है कि वो यहाँ पे असेंबली इंतखाबात के साथ साथ एक और बात की ज्यादातर डिमांड करते थे, वो स्टेटहुड की बात कर रहे थे। लेकिन अगर यहाँ पे अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर स्टेटहुड यहाँ पे वापस दे दिया गया, तो उसके बाद भी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या उनके पास ये पूरे इख्तियार रहेंगे या उसमें कोई कमी पेशी होगी? हालांकि उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ने भी अपना ट्वीट करते हुए बताया कि इससे बेहतर है कि यहाँ पे कभी इलेक्शन ना कराए जाए, यहाँ पे एलजी को पूरी तरह से जो इख्तियारात है वो उसके हाथ में रखे जाए। अगर यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अगर कल यहाँ पे इलेक्शन होंगे, यहाँ पे हुकूमत बनेगी, आवामी नुमाइंदे के बनेंगी, लेकिन उसके बाद भी अगर टर्म्स एंड कंडीशंस यही रहेंगे, अमेंडमेंट यही रहेंगे, यही जो इख्तियारात है एलजी के पास रहेंगे, फिर यहाँ की जो सियासी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या फिर बीजेपी या फिर दीगर सियासी जमातें हैं, क्या उनको ऐसे इख्तियारात मिलेंगे? वैसे भी अगर कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा, क्या उसके पास ऐसे इख्तियारात रहेंगे या नहीं रहेंगे? फिलहाल तो जम्मू कश्मीर में इसको लेकर विरोध भी देखने को मिल रहा है। बहरहाल जम्मू कश्मीर में आगामी चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला यहां पर ले लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।